क्या सुबह सुबह क्या समझ नहीं आया आपने क्या बोला? सुबह सुबह क्या है? सुबह सुबह फिर जाऊंगा कहीं मार्केट में। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड, बढ़िया। वो तो हमारा काम है, जाना है, लोगों को कांटेक्ट करना, उनको बातचीत करना, उनको नए नए प्रोडक्ट बताना, वो सब तो काम है हमारा भाई, वो तो रेगुलरिटी है, मतलब उसके बिना तो शायद जरा कैसे चलेगा। चलो ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया। और क्या बस सर, खास कल दो मीटिंग की है आपके? सर, कल दो मीटिंग की है सर। अच्छा, अरे वाह, क्या बात है जी, वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बढ़िया काम किया आपने, शानदार काम कर डाला, कल ठीक है, दो बढ़िया। मीटिंग की है सर, और और जो है मतलब हो सकता है कि आज उसका पॉलिसी भी आ जाए, मतलब आज जाऊंगा दोबारा से तो अच्छा, ठीक है, उसका प्रपोजल फॉर्म, कल प्रपोजल फॉर्म जो है नहीं भर पाया उसका, एक्चुअली कहीं जाना था उसको, हाँ आज उसने दुकान पे बुलाया है, तो जाऊंगा प्रपोजल फॉर्म वगैरह भर के फिर आपको स्पीड पोस्ट करूंगा। लेकिन पॉलिसी नंबर लेकिन आपको जल्दी लगाना पड़ेगा आज में ही, मतलब एक ही दिन, सेम डे, मतलब पॉलिसी पैसा नंबर भेज। आप यदि चाहें तो, आप पॉलिसी नंबर लगाने के लिए तो आपके पास आसान तरीके अवेलेबल है ना, आप पॉलिसी नंबर चाहें तो आप तो आनंदा के थ्रू भी लगा सकते हैं, जो आनंदा का पोर्टल आपके पास अवेलेबल है, आप उसके थ्रू भी पॉलिसी नंबर तो लगा ही सकते हैं, आप आपके करा पास वो भी देना आसान सर, तरीका मैं है भेज दूंगा ना आपको, मैं डिटेल्स और ना। जो ठीक पैसे हैं भेज दूंगा, और बाकी आधे घंटे में कूरियर कर दूंगा आपको, हार्ड कॉपी जो है सारा हाँ वो हाँ वो कूरियर कर ठीक है, दूंगा आप जैसे आपको। मर्जी। हाँ, कुरियर से भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, आप कुरियर कर दीजिए। आप अदरवाइज आप आनंदा पोर्टल के थ्रू चाहें तो आप आनंदा पोर्टल के थ्रू भी लगा सकते हैं, आप वहां पर बैठे बैठे पॉलिसी नंबर लग जाएगा, और जी उसके सर, अंदर तो क्रेडिट कार्ड से भी हो जाता है, डेबिट कार्ड से भी हो जाता है, और जो आपका वॉलेट है उसके थ्रू भी हो जाता है, और नेट बैंकिंग भी हो जाता है, ये सारी की सारी फैसिलिटी उसके अंदर अवेलेबल है। तो बाकी आप इधर भेजना चाहें इधर भी भेज सकते हैं आपके पास, वो तो देखिए पुराना तरीका तो है ही ना अवेलेबल, अब पुराने तरीके के हाँ अलावा हमारे पास नए तरीके भी अवेलेबल है ना, हमारे पास दोनों अभी तरीके टाइम दूंगा अवेलेबल ना है, सर, पुराने उसके भी बाद फिर तरीके। उसमें करूंगा आनंदा में, है आनंदा में क्या, आनंदा में टैब लूंगा या लैपटॉप दोबारा चालू करता हूँ फिर लूंगा, मतलब नहीं टैब से नहीं चलेगा आपका आनंदा, उसमें आप ध्यान करिए कि आनंदा टैब के थ्रू चलने वाला नहीं है, लैपटॉप पे चलेगा आनंदा सर। के लिए कंप्यूटर चाहिए। हाँ, ठीक है सर, या तो लैपटॉप लैपटॉप से। हाँ जी, लैपटॉप पे चला लूंगा सर, लैपटॉप पे सीख लूंगा पहले एक बारी। हाँ, या तो लैपटॉप से चलेगा या तो डेस्कटॉप से चलेगा। आनंदा आपका जो है वो इससे टैब से नहीं चलेगा, आपका फोन से नहीं चलेगा, और जब कंप्यूटर से भी चलाएंगे तो उसके अंदर भी आप ध्यान रखिएगा कि उसके अंदर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर करेंगे तो बेटर रहेगा, अच्छा अदरवाइज मुझे लगता है कि शायद इंटरनेट एक्सप्लोरर के बिना भी चल तो जाना चाहिए। मैंने उसमें गूगल क्रोम में ट्राई किया था, उसमें चल तो गया था, लेकिन इन्होंने रिकमेंड कर रखा है कि मीटिंग आप इसके अंदर गूगल उसका, हाँ, जो इसका जो आनंदा का जो वेबसाइट है, जो LIC India.in जो है, जो आनंदा का जो वेबसाइट है, वहां पर इन्होंने लिखा है कि आप इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू करिए। कोई नहीं सर, उससे कर लेंगे, वो भी है लैपटॉप में रहता ही है इंटरनेट एक्सप्लोरर। जी ठीक है, बढ़िया बढ़िया। और क्या कुछ खास गुड्डू जी, कुछ और किसी से बातचीत हुआ, कोई कांटेक्ट हुआ, किसी को फोन कॉल हुआ, किसी को आपने कोई कल एक दिल्ली SMS में फोन कॉल मैसेजेस हुआ था भेजे? रजौरी गार्डन में, कल हाँ हुआ उसको जीवन लाभ समझाया उसको, 15-21 का जी, मतलब है ना, बढ़िया। 12,000 रुपये देना, और फिर हम ब्रांच जो है वो संतोष आ जाएगा जमा कराने के लिए, मतलब। हाँ, ठीक है, वो संतोष का आपने बढ़िया इंतजाम किया है, वो दफ्तर में आके सारा का सारा वो सब आपका काम वगैरह वो संभालने के लिए, वो बढ़िया, अच्छा किया आपने, बढ़िया। सो ठीक है, दैट्स वेरी गुड, जी बढ़िया। सर, ट्रॉफी का आखिरी दिन है, 25 तारीख को आखिरी दिन है ट्रॉफी का, तो ट्रॉफी का आप 25 तक ही कर सकते हैं, सोमवार को, क्योंकि रिपब्लिक डे पर इसका फंक्शन है, आप 25 को इसका क्वालिफाई करेंगे, 26 को इसका फंक्शन रहेगा दिल्ली Division 2 में, दिल्ली Division 2 में सीनियर डिवीजन मैनेजर है, वहां पर आपका ऑनरिंग रहेगा, और 6 पॉलिसी या तो 6 से ऊपर जो करे हैं तो उनको वहां पर इन्विटेशन रहेगा, तो आप इसका 6 करें, मेरे ख्याल से पैकेज यदि बना दें तो शायद आपके लिए भी बढ़िया रहेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। जी
हमारे पास यहाँ पर कपूर साहब अवेलेबल हैं सुबह सुबह। क्या बात है कपूर साहब, कमाल कर दिया आपने तो यार सुबह सुबह। भाई आप तो टाई वाई लगा के यार बड़ा कपूर साहब तो पूरे प्रोफेशनल मूड में आ गए हैं। कपूर साहब तो मेरे को गिल्टी फील करा रहे हैं। मुझे भी लग रहा है कपूर साहब की देखा देखी सुबह सुबह टाई और सूट पहनना जरूरी हो जाएगा। चलिए बढ़िया, कपूर साहब को पता नहीं नाश्ते के बीच में बात कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, हम उनको नाश्ते के लिए जब भी उनको फुर्सत मिले तो उसके बाद बात कर लेंगे। सिन्हा साहब गुड मॉर्निंग, एंड गुड हरिराम जी मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग, गुड नमस्कार मॉर्निंग सर। जी। तो आप कुछ बताना चाहेंगे, आपका एक्टिविटीज कल से लेकर अभी तक क्या क्या रहा, कोई भी चीज आप बताना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? आप किस किस से बातचीत हुआ इंश्योरेंस के बारे में, आपने कुछ इंश्योरेंस के बारे में किसी को मैसेज किया, किसको कांटेक्ट किया, किसको डिस्कशन किया, क्योंकि बात करने से बात बनती है ना? तो कुछ हम बातचीत करेंगे किसी को, तो फिर उसके बाद ही हमारा कुछ ना कुछ बात बनने का चांस है। तो किसी से आपका कॉन्टेक्ट हुआ, संपर्क हुआ, कोई डिस्कशन हुआ, कोई फोन कॉल हुआ, बांटा, कोई आपने प्रेजेंटेशन किसी को दिखाया, प्रेजेंटेशन बनाया, आपने किसको भेजा, आपने कोई प्रेजेंटेशन, कोई हमारे एक्टिविटी ऐसा हुआ जिससे कि हमारा सेल करने में हमें मदद मिले, ऐसा कोई भी चीज ऐसा हमारा हुआ, या तो और कोई एक्टिविटी आपके जीवन में जो भी चीज चल रहा है आप यदि शेयर करना चाहें तो बता सकते हैं। बंद कर दिया, आप बताना चाहेंगे, या तो हरिराम जी, या तो दीपक सिन्हा जी, या तो देशराज कपूर जी, यदि आप बताना चाहेंगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर हम बाकी के टॉपिक्स अपने शुरू करने की कोशिश करें। हरिराम जी आपका शॉप बढ़िया चल रहा है? जी सर, ठीक बढ़िया, चल रहा है सर। और सिन्हा साहब आप भी शुरुआत यदि कर पाएंगे तो अच्छी बात है। मेरे ख्याल से आपका छोटा मोटा कुछ डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम था, आप यदि उसको क्लियर कर पाएंगे तो आपको भी तो सर उसका जो है, आज आज जी तो बताएं। ऑफिस नहीं, आज तो ऑफिस नहीं जा रहे हैं ना सर आप? नहीं, ऑफिस का तो आज गजेटेड हॉलीडे है ना, आज का जो पब्लिक हॉलीडे है एलआईसी का, जी तो फोर्थ सैटरडे बंद होता है, सेकंड सैटरडे बंद होता है सर। उसको मंडे को दे देता हूँ मैं आपको। हाँ कोई बात नहीं, आप अभी भेजना चाहें तो आप अभी भी भेज सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर, या तो टेलीग्राम पर, या तो आप ईमेल पर, आप जैसे भी चाहें आप उसको भेज सकते हैं, तीनों में से जो भी तरीका आपको पसंद हो आप उस तरीके से भेज सकते हैं। नहीं, उसमें क्या क्या है, होता है कि उसको लोड करके आपने कहा पूरा नहीं आ रहा है पूरा आपको? नहीं, वो फोटो खींचने का प्रॉब्लम है, वो जिस तरीके से आपने फोटो खींचा है ना तो उसके अंदर कट गया है, तो आप उसको पूरा तरीके से उसका फोटो खींचेंगे तो करेक्टली। देखो मैं आपको ये क्या क्या बोल रहा हूँ कि आगे भविष्य में भी, जैसे मान लीजिए आप कस्टमर्स को मिलने जाएंगे, अभी कस्टमर ने उस समय बोला कि मेरे पास तो फोटोकॉपी अवेलेबल नहीं है, अभी कस्टमर ने क्या बोला कि देखो जी ये मेरा यहाँ पर आपके सामने ये आधार कार्ड रखा है, ये पैन कार्ड रखा है, ये ड्राइविंग लाइसेंस रखा है, ये स्कूल सर्टिफिकेट रखा है, अब आप इसकी फोटो खींच लो, तो आप क्या बोलोगे कि नहीं आप मेरे को कॉपी दो इसका? अब कस्टमर ने ठीक बोला है, फोटो समझ खींच रहा लो हूँ तो सर। तुमको। हाँ जी क्या चीज? समझ रहा हूँ सर, मैंने ये कहा। हाँ, तो अब कस्टमर ने बोला कि फोटो खींच लो, तो आप उसको मना तो नहीं करोगे ना, आप बोलोगे अच्छा ठीक है जी फोटो खींच लेते हैं। अब कस्टमर क्या बोलेगा, जी सिन्हा साहब आप मेरे को पॉलिसी समझाने आए हो, तो आप ऐसा करो कि क्या आप ये इसका फोटो खींच के और उसके बाद इसको आप उसके थ्रू कर सकते हो? तो अब हम उसको बोले नहीं जी आप तो फोटोकॉपी दो, तो उसको लगेगा यार ये क्या देता है, वो लंबा आपका काम बड़ा लंबा हो जाएगा, ये तकलीफ ये वाला है, मतलब तो आपका बहुत ज्यादा जी लंबा होने जी वाला है ना, तो सही आपको इस बात तरीके से आसान रहेगा। है। नहीं, सो हरीश आने का, कुमार जी आने का मतलब ये है सर कि एक बार हाँ आकर के कभी हफ्ता में हम ऐसे रखेंगे, कुछ भी ना हो तो एक बार हफ्ते में या 2 बार आपसे मिलूंगा जरूर, वो वाली बात है, उसमें क्या सिन्हा दिक्कत साहब है? आपका दफ्तर है, सिन्हा साहब आपका दफ्तर है, आप हर रोज आइए, आपका हर रोज स्वागत है, आप हर रोज मिलिए, मैं तो आपके घर से, मेरा घर सिर्फ मेरे ख्याल से आधा किलोमीटर की दूरी पर है, मेरे ख्याल से जी मॉर्निंग वॉक में भी शायद 5 मिनट लगते हैं मेरे को, और अब आप हम दोनों को एक दूसरे के घर तक आने में 5 मिनट लगते हैं, तो दूरियां वो वाली नहीं है, लेकिन दूरियां क्या है, काम की दूरियां नहीं होनी चाहिए, मतलब हम फिजिकल दूरियां, आजकल क्या है कि फिजिकल दूरियां खत्म हो चुकी हैं, आजकल ऑनलाइन जो है ना नजदीकियां बढ़ गई हैं। देखिए अभी सुबह मैं मॉर्निंग वॉक पर निकला 7 बजे,
तो 7 बजे मॉर्निंग वॉक करते करते मुझे जो है, मेरी बुआ रहती हैं कनाडा में, तो अब वो एक्चुअली रहती हैं बॉम्बे में, तो अब मैंने उनको टेलीग्राम पर मैसेज कर दिया, तो कहती हैं जी मैं तो कनाडा में हूँ, -10 डिग्री का इसके अंदर टेम्परेचर चल रहा है, तो थोड़ा सा मैंने भी उनको थोड़ा सा बता डाला भाई कनाडा में रहते हो कुछ इन्वेस्टमेंट कर डालो। तो क्या होता है कि आजकल दूरियां नहीं है, हम मॉर्निंग वॉक के अंदर भी पॉलिसी बेच सकते हैं। मतलब ये की बात मैं आपको क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मॉर्निंग वॉक पॉलिसी भी दिख सकता है, मतलब हम थोड़ा सा कोशिश करें, थोड़ा सा हम मतलब किसी को भी बातचीत करें तो शायद उसको अच्छा लगे, शायद उसको पसंद आए कि हाँ इन्होंने कुछ बताया, क्योंकि कोई भी चीज बेचने के लिए सबसे पहले इंसान पसंद आना जरूरी है, प्रोडक्ट तो बाद में पसंद आएगा। मैंने क्या देखा है, बहुत सारे एजेंट्स क्या काम करते हैं, वो कॉन्टेक्ट करके ना पॉलिसी ले लो, भगवान इतना परेशान कर देते हैं, इतना दुखी कर देते हैं, इतना बेचारा क्लाइंट कहता है भाई मैं इसका फोन नहीं उठाऊंगा, मैं इसके व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं दूंगा, जवाब नहीं दूंगा, मैं इसको ब्लॉक कर दूंगा। मतलब अपने आपको पसंद आने से पहले मतलब वो पॉलिसी इतना उस बेचारे की जान खा जाते हैं, कस्टमर कहता है यार इस आदमी से जान छुड़ाओ किसी भी तरीके से, तो हमें वैसा नहीं बनना है, हमें क्या बोलते हैं इनवाइटेड बनना है, हमें रिजेक्टेड नहीं बनना है। रिजेक्टेबल सेल्फ अप्रोच हमारी नहीं होनी चाहिए, हमारी होनी चाहिए रिसीवेबल अप्रोच या तो रेफरेबल अप्रोच, आदमी को हमसे संपर्क करके अच्छा लगना चाहिए एज ए सेल्स पर्सन। सेल्स पर्सन तो ऐसे लोग होते हैं कि वो मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको लोग पसंद नहीं करते, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनको लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो हमें सेकंड वाली कैटेगरी में आना है जिनको लोग बहुत ज्यादा पसंद करें। जी हमारे साथ मनीष जी जुड़े हुए हैं, नरेंद्र पाल जी गुड मॉर्निंग, मनीष जी गुड मॉर्निंग, एंड कपूर साहब गुड मॉर्निंग। आप से जी कुछ बताना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, आपका तो सिर्फ होठ हिल रहे हैं, लेकिन आपकी नरेंद्र पाल जी आवाज तब तक नहीं आएगी जब तक आप अपना माइक को ऑन नहीं करेंगे। तो नहीं, इसके बगैर चलेगा, आपको ये लीड लगाने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं है आपको कान में वो तार लगाने की जरूरत नहीं है, आपको अपना माइक को ऑन करने की जरूरत है। माइक ऑफ है आपका, आपका माइक ऑफ है। हाँ अभी ठीक है। अरे आपका तो आवाज इतना कम आ रहा है कि कुछ पता ही नहीं लग रहा, क्या बात है, कुछ मालूम नहीं चल रहा कि आप बोल कर रहे हैं, आपका माइक ऑन है लेकिन आपका मालूम नहीं चल रहा। उन्होंने अपना जो ईयरफोन है ना वो प्लग किया हुआ है, हटा दिया ईयरफोन, उसको कहिए हटा दे तब बात करे। आप ईयरफोन को कान में लगा के देखिए, ईयरफोन को कान में लगा के आपको आवाज आता है कि नहीं आता है? हमें तो आपका आवाज नहीं आ रहा। नहीं, उसको या तो हटा दे ईयरफोन को, प्लग किया हुआ है ना। अच्छा, प्लग हटा दे। हाँ, आपने क्या किया है कि आपने ईयरफोन को लगा दिया है, आपने अपने फोन में जो लीड है उसको कान में लगाए तो आपकी आवाज कम से कम पहुंचे यहाँ तक। तब तक के लिए मनीष जी आप शुरुआत करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे? आप मॉर्निंग वॉक से बात कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है आपकी मॉर्निंग वॉक से, आप आराम से मॉर्निंग वॉक करते रहिए, बात भी आप कर सकते हैं यदि आप करना चाहें तो। सो अदरवाइज हम अपना शुरुआत करेंगे, आज का हमारा जो टॉपिक है उसकी थोड़ी सी शुरुआत करने की हम कोशिश करते हैं। हमारा जो ट्रॉफी था, ट्रॉफी के अंदर ऑलरेडी हमारे कुछ एक क्वालिफाइड लोग हैं यहाँ पर, जो कि मनीष जी का 4 क्वालिफाइड हो चुका है, कर चुके हैं, सिर्फ 2 यदि करेंगे तो रिपब्लिक डे ऑनरिंग हो जाएगा उनका। नरेंद्र पाल जी ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, उनको बधाई। हमारे पास यहाँ पर इस समय और साथी अभी तो और कोई है ही नहीं कि जिनका क्वालिफाई हुआ है, तो बाकी के साथी क्वालिफाई करें तो अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, सभी को अच्छा लगेगा। एंड 3 पॉलिसी कोई बड़ी बात नहीं है, खुद की 3 पॉलिसी भी कर सकते हैं, उससे भी काम बन सकता है, 300 रुपए की 3 पॉलिसी भी कर सकते हैं, पैकेज भी कर सकते हैं, उससे भी गुजारा चल सकता है और जिंदगी भर आपको यादगार रहेगा। यूनिट लिंक पर स्पेशल प्राइस है, कल मनीष जी ने बताया था कि उनका ट्रेनिंग रहा बड़ा ही शानदार। नरेंद्र जी आपकी आवाज तो अभी भी नहीं आ रही है। हेलो हाँ आई, अरे वाह क्या बात है। हाँ तो ये दीपक सिन्हा जी ने आपको सही पकड़ लिया, उन्होंने बताया कि आपने लीड अपने फोन में लगा दी। हाँ अभी ठीक है बोलिए। नहीं सर ऐसा नहीं था, सर ऐसा नहीं था, एक्चुअली सर मैंने लीड लगाया ही नहीं था सर,
सर ऐसा नहीं था सर, लीड लगा हुआ नहीं था। चलो ठीक है ठीक है, बताएं 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 तो अपना क्या प्रोग्रेस आपका, क्या एक्टिविटी चल रहा है। लीड लाने बाद सर कुछ आवाज आ रहा है आपको? गुड मॉर्निंग सर, आवाज आ रहा है? अरे परफेक्ट आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया आ रहा है, बताएं। ओके बढ़िया 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 सर जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, सब ठीक है जी जी ठीक है। आप एक्टिविटी आपका चल रहा है, कुछ खास कुछ किसी से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, लोगों से बातचीत हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, लोग आपकी बात सुन पा रहे हैं? बातचीत हो रही है सर, बातचीत हो रही है, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ? हाँ हाँ सर बात हो रही है सर, देखो सर कल की सर मीटिंग की है और पॉसिबल आज रिजल्ट सर आ जाएगा। अच्छा अच्छा सर, आज कुछ रिजल्ट आएगा सर, पॉसिबल है जी जी जी। ठीक है, अच्छी बात है जी, बढ़िया, विश यू ऑल द बेस्ट, आपको रिजल्ट जल्दी से जल्दी आए, हम चाहेंगे कि आपको आपका सेल होए। और क्योंकि ना क्या है कि देखो अब आज 23 तारीख तो हो गई है, शनिवार है, फोर्थ सैटरडे एलआईसी ऑफिस तो बंद है, कल संडे है, सोमवार को 25 तारीख का रिपब्लिक डे का वो मेरे को लगता है थोड़ा सा रिहर्सल वगैरह भी कुछ शायद ऐसा कुछ होता है, तो आपका 25 तक ही अवेलेबल है, सोमवार तक ही अवेलेबल, ये वाला जो ट्रॉफी है वो आपका सिर्फ सोमवार तक अवेलेबल है। तो यदि अवेल कर लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको ना वहां पर जो रिपब्लिक डे ऑनरिंग जो रहेगा तो उसके अंदर देखो सिर्फ 6 या तो 6 से ऊपर वाली पॉलिसी वाले उन्होंने वहां पर एसडीएम ऑनरिंग के लिए बुलाए हैं, तो आपको अच्छा लगेगा, ट्रॉफी आपको वहां पर उस तरीके से मिलेगी। अभी भी आपकी ब्रांच के अंदर भी क्या हुआ है कि 20 ट्रॉफीज आई थी, तो मेरे ख्याल से शायद 115 या 18 एजेंट्स ने क्वालिफाई किया है, तो जो 20 जो थी वो जो टॉप के जो 20 थे उनको दे दिया। तो एक्चुअली क्या होता है ये थोड़ा सा ना, अब बाकी तो लोगों को वेट करना पड़ेगा, बाकी लोगों का जब भी सेकंड लॉट आएगा तब तक उनका वो जब आएगा तब आएगा, तब वो फिर उसके बाद ही मिल पाएगा। तो लेकिन आप यदि इसमें 6 वाले में क्वालिफाई करेंगे मुझे लगता है कि ट्रॉफी आपको फटाफट मिल जाएगा। तो अच्छी बात है, यूनिट लिंक का प्रकाश रंजन जी का एक पॉलिसी हुआ है, बाकी 2 पॉलिसी पर 500 रुपए का प्राइस है, 25 पॉलिसी पर जोनल मैनेजर जो है जनवरी में आपको टूरिस्ट प्लेस पे लेके जा रहे हैं। राजेश टैगोर जी जो है सेल्स मास्टरी का उनका कोर्स चल रहा है, 136 रुपए पर क्लास का एवरेज पड़ता है, 5,900 रुपए का फीस है, 49 हफ्ते का टाइम अवेलेबल है। तो 49 हफ्ते का मतलब है एक क्लास तो पिछले सोमवार को हो चुका है, अब बाकी का जो टाइम अवेलेबल है बाकी के टाइम के अंदर हम थोड़ा सा फायदा ले सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर इस समय देशराज कपूर जी हैं जो ऑलरेडी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हैं, हमारे पास मनीष जी हैं जो कि ऑलरेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम में हैं, वो ऑलरेडी इसका फायदा ले रहे हैं ऑलरेडी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम। मनीष जी तो खैर नहीं है, सॉरी, मनीष जी चाह रहे थे कि मैं इसके अंदर ज्वाइन करूंगा लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो जो लोग ऑलरेडी इस प्रोग्राम के अंदर हैं तो वो ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। कपूर साहब, यदि कपूर साहब के पास टाइम अवेलेबल हो तो मेरे ख्याल से यदि बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, सभी को अच्छा लगेगा कि कपूर साहब इसके बारे में कुछ बताएंगे। यदि कपूर साहब अपना नाश्ता कर चुके हैं तो शायद इसके बारे में अच्छे से बता पाएंगे। तो कपूर साहब आप कुछ बताना चाहेंगे, आपका वो पिछले सोमवार को जैसे आपने अटेंड किया था तो क्या आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, कपूर साहब अभी नाश्ता करने में बिजी हैं, सो नॉट ए प्रॉब्लम। मैंने आपको ना वीडियो भी भेजा था इसका, तो जो इसका वीडियो था जो सोमवार वाला रिकॉर्डिंग था जो तकरीबन 1.25 घंटे का ट्रेनिंग प्रोग्राम था, मनीष जी ने भी 2 वीडियो भेजे थे, हिंदी वाला और इंग्लिश वाला, दोबारा से उसके अंदर हमारा जो ग्रुप है हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है तो उसके अंदर मनीष जी ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों वीडियो भेजे थे 1.25 घंटे के, काफी सारी अच्छी अच्छी बातें उसके अंदर बताई गई थी सेल्स के बारे में, किस तरीके से बेचना चाहिए, किस तरीके से कस्टमर को कॉन्टेक्ट करना चाहिए, प्रोफेशनल सेलिंग स्किल वगैरह क्या होती है। 49 हफ्ते और अवेलेबल है, आज हम इसके बारे में बातचीत क्यों कर रहे हैं क्योंकि आज का दिन है शनिवार, तो शनिवार अभी परसों इसका सुबह सुबह क्लास होगा, अंग्रेजी वाला 7 बजे से 8 बजे, हिंदी वाला 8:30 से 9:30। तो ये वाला जो क्लास होएगा, इस वाले क्लास के अंदर और भी ढेर सारी नई चीजें इसके अंदर बताई जाएंगी, और जैसे पिछली बार इसका वीडियो अवेलेबल हो गया था क्योंकि वो तो पहला हफ्ता था, तो इस वजह से वीडियो अवेलेबल इसका हो गया था, यूट्यूब लाइव पर अवेलेबल था, बाद में हमने शेयर भी ग्रुप में जैसे मनीष जी ने किए थे, तो पिछले वाले का अवेलेबल था क्योंकि पहली क्लास थी, क्योंकि आखिरी मोमेंट पर ढेर सारे लोगों ने ज्वाइन किया था। अब
जो परसों वाला जो सोमवार आ रहा है इसके अंदर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ज्वाइनिंग प्रोसेस भी इन्होंने बदल डाला है, इन्होंने वो रोल नंबर डालना पड़ेगा, ईमेल डालना पड़ेगा, मोबाइल डालना पड़ेगा, तब वो जूम पर जाएगा, तब आपका वहां जाने के बाद तब आपका वो जो जूम का जो क्लास है उसके अंदर एंट्री होगा। तो इस वजह से जो बाकी जो है हमारी टीम के अंदर तीन लोगों ने पैसा भर रखा है, एक तो तेजस कपूर ने, उन्होंने 5,900 रुपये उसका भर रखा है, बहुत ही अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत बधाई हो कपूर साहब को। हमारे पास धर्मेंद्र कुमार है जिन्होंने इसका पैसा भर रखा है और 5,900 रुपये, तो बाकी की 49 क्लासेस हैं वो सारा का सारा वो तो अटेंड करेंगे, और मैंने भर रखा है, तो मैंने तो सबसे पहले भर दिया था, मेरे को तो करना ही था, अच्छी बात है, कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, कस्टमर को भी अच्छा लगता है, हम उससे कुछ ना कुछ नई बातें करते हैं तो कस्टमर को भी अच्छा लगता है। सो आप में से कौन साथी हैं जो कि इसको करना चाह रहे हैं, आपको लगता है कि हाँ मेरे लिए पॉलिसी बेचने में ये सब चीजें काम आ सकती है, आप में से कोई साथी है जो कि ज्वाइन करना चाहेंगे? हमारे पास मंजू अभी जुड़ी है, मंजू गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आप यहाँ पर आई, आपने स्पेशली समय निकाला, फैमिली को टाइम देते देते भी स्पेशली आपने समय निकाला, आपका स्वागत है इधर। और राजेंद्र जी गुड मॉर्निंग, राजेंद्र जी जी आप कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में, कोई एक्टिविटीज आपका क्या चल रहा है अभी, तो या तो कोई बातचीत हुआ, कोई डिस्कशन हुआ, कहीं कुछ ऐसा कुछ हो पा रहा है, लोग हो पा रहे कि नहीं हो पा रहा है, क्या चल रहा है, ऐसा कुछ बताना चाहेंगे आप अपने बारे में, कुछ जो भी आप चाहें। तो यदि आप अभी कुछ और नहीं है बताने का, तो एक अभी ना क्या हुआ कि मैंने कल शाम को एक हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें किताब के बारे में उसका एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था, कल शाम को एक मेरा ट्रेनिंग का प्रोग्राम था तो इनके साथ राजेश टैगोर जी के साथ चल रहा था 6 बजे से 7:30 बजे और उसके बाद 8 बजे से 9:30 बजे, तो एक ये किताब मैंने एंडलेस रेफरल्स एक किताब जो है वहां पर मैंने शेयर किया था, तो ये वाला किताब को मैंने फोटो भेजा था क्लास के बीच में, उन्होंने किताब दिखाया, भाई ये वाला किताब अच्छा है रेफरेंस मारने में। आप में से कितने लोग हैं जिनको रेफरेंस चाहिए, आपको लगता है कि हाँ रेफरेंस कस्टमर से मिलने चाहिए, या तो आपको लगता है कि हाँ जितने रेफरेंस मुझे मिल रहे हैं तो उसमें गुजारा नहीं है, मुझे और ज्यादा रेफरेंस मिलने चाहिए, मुझे और ज्यादा कस्टमर है वो मेरे को रेफरेंस देने चाहिए, या तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपको लोग रेफरेंस के लिए देते नहीं है, आपको मांगते हो लेकिन मांगने के बाद भी कस्टमर कहता नहीं, या तो कस्टमर बोलता हाँ देख के बताएंगे, हाँ सोचेंगे, तो ये सब चक्कर चलता है। आप में से कितने साथियों को लगता है कि रेफरेंस आपको मिलने चाहिए? सर रेफरेंस सबको मिलने चाहिए, सबको जरूरत होती है, सबको मिलने चाहिए, बढ़िया। तो जिस तरीके से आप रेफरेंस मांगते हैं तो क्या आपको बढ़िया तरीके से रेफरेंस मिल पाते हैं, क्या हर एक आदमी आपको ढेर सारे रेफरेंस देता है? और क्या आपको ऐसा कोई तरीका रहे कि हर एक आदमी आपको ढेर सारे रेफरेंस दे, एंडलेस रेफरेंस, आपको लगे हर एक आदमी, और रेफरेंस जो दे वो काम के दे, मतलब ऐसे रेफरेंस दे कि जिसकी वजह से आपको वहां से बिजनेस मिले, मतलब ऐसा ना हो कि किसी ने आपको रेफरेंस दिया, रिक्शे वाले का रेफरेंस ले लो, सब्जी वाले का ले लो, दूध वाले का ले लो, वो सब नहीं, भाई रेफरेंस भी दे, ऐसा दे कि आपको सेल हो वहां से। जैसे अभी 3 दिन पहले मैंने किसी एक एजेंट का वीडियो आपको BITV का इंटरव्यू था वो शेयर किया था मैंने आपको, जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप था वो, उसने मॉर्निंग वॉक में उस एजेंट ने जो है अपनी पड़ोसन से रेफरेंस लिया, मैडम आपने अपनी मालकिन से मिलवा दो, मालकिन से मिलवा दो, हाँ ठीक है मालकिन से मिलवा देती हूँ, मिलवा दिया, 20 करोड़ रुपए का पॉलिसी आ गया। तो मतलब रेफरेंस भी हमको मिले तो ऐसा मिले कि मुझे मजा आ जाए, है ना। तो कल क्या हुआ, कल दोपहर को मेरे पास कपिल ढल आए, तो कपिल ढल को आप सभी लोग जानते हैं, तो कपिल ढल मेरे पास आया दोपहर को, तो 3251 का तो MHR आपको पता है 50 लाख से ऊपर MHR करना होता है, तो उन्होंने 8,000 को महीने का एक पॉलिसी कर डाला था जीवन लक्ष्य। तो मैंने क्या किया, मैंने उस मैंने कपिल को बोला, मैंने कहा भाई कस्टमर को तो बात करना पड़ेगा, तो ठीक है कपिल, तो मैंने फोन लगाया, मैंने कहा मैडम नमस्कार, ये क्या हरिराम जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं हरिराम जी कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ जी नहीं, हाँ जी समझ नहीं आया मुझे, हरिराम जी आप बच्चों को भी तैयार कर रहे हैं और खुद बच्चों को तैयार कर रहे हैं क्या, समझ नहीं आया आपकी बात। हाँ जी
आप कुछ कहना चाह रहे हैं हरिराम जी? आपकी मैं पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा हूँ, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं सर, मैं मंदिर जी के लिए बधाई दे रहा हूँ, मंदिर जी को कि काम करने के बाद भी इसमें अटेंड कर रहे हैं। अरे अरे वो ठीक बात है, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं उनका स्वागत है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद उनका, उन्होंने स्पेशली टाइम निकाला। उनकी लगन जो है उससे पता लगता है कि उनको जो है बिल्कुल हमारे साथ वो जुड़ी है, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई, थैंक यू सो मच। वो यहाँ पर आई बहुत अच्छा करके, मैं कल दोपहर की मैं आपको बात बता रहा हूँ इस तरीके से। वहां उस कस्टमर से मैंने दो रेफरेंस लिए, जहां से वो रेफरेंस कोई भी रेफरेंस उस कस्टमर से नहीं थे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कपिल आए थे तो रेफरेंस तो नहीं थे ना वहां पर, तो मैंने उस कस्टमर को कॉल किया, मैंने उस कस्टमर से रेफरेंस मांगा, दो रेफरेंस मिल गए। अब जिस कस्टमर ने 8,000 रुपए महीने का जीवन लक्ष्य कराया है उससे, देखो पहला मौका कपिल ढल के पास अवेलेबल था कि वो वहां पर उसको बातचीत करके वहां से रेफरेंस ले सकते थे, पहला मौका उनके पास अवेलेबल था, पॉलिसी उन्होंने बेचा था। अब पॉलिसी उन्होंने बेचा और पॉलिसी बेचने के बाद वो तो खैर अब उसका जो SUC है सम अंडर कंसिडरेशन 50 लाख से ऊपर हो गया, तो मैंने कहा भाई इसको तो बात करना पड़ेगा, तो मैंने उसको बात कर लिया। बात करके मैंने मैडम को पूछा, मैडम ये सबसे पहले बधाई, आपने 1,000 रुपए महीने का ये पॉलिसी ले लिया, बहुत शानदार पॉलिसी है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तो आपको इस पॉलिसी के बारे में क्या अच्छा लगा? तो कहती है भाई ये तो हमको कन्यादान पॉलिसी लेना था। मैंने कहा ओके वेरी गुड, कन्यादान पॉलिसी कन्या के काम आएगा, छोटी सी बिटिया है 3.5 साल की बिटिया है, आपने 8,000 रुपए महीने का पॉलिसी लिया तो आपको ये काम आने वाला है, बहुत ज्यादा काम आने वाला है। मैंने उसको अलग अलग तरीके की और पॉलिसियां बता डाली, मैंने उसको अलग अलग तरह के और कॉन्सेप्ट बता डाले और आइडिया बता डाले, भाई पापा का कौन सा पॉलिसी अभी ले सकते हैं, मम्मी का कौन सा ले सकते हैं, भाई का कौन सा ले सकते हैं, बहन का कौन सा ले सकते हैं, हस्बैंड का कौन सा ले सकते हैं। अच्छा आपने डायरेक्ट बात किया, जैसे कपिल ढल ने डायरेक्ट बात किया, कपिल ने पॉलिसी समझाया और किसी और ने पॉलिसी समझाया, कस्टमर को क्या लगता है यार इनके दफ्तर से कौन आया, कस्टमर को ऐसा लगता है, तो कस्टमर का ना थोड़ा सा सुनने का तरीका बदल जाता है, थोड़ा सा उसका तरीका बदलता है। और उसको बोला मतलब उसने खैर और कोई पॉलिसी के बारे में उसने इंटरेस्ट इतना लंबा चौड़ा शो नहीं किया, लेकिन हाँ मैंने उससे रेफरेंस मांग ली। मैंने उसको क्या बोला, मैंने कहा मैडम आप देखिए आप कपिल ढल जी की सर्विस से खुश हैं, ये 6 साल से आपको जानते हैं, 6 साल से आपका बिल्कुल ध्यान रखने हैं आपकी पॉलिसीज का। तो कहती है हाँ जी मैं खुश हूँ। जब खुश हैं तो मैडम कम से कम आपको कम से कम 2 लोगों के बारे में तो इनको रेफर करना चाहिए ना, आपको बताना चाहिए ना कि ये भाई देखो ये हमारे दोस्त हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे जान पहचान के लोग हैं, तो जितना शानदार कन्यादान पॉलिसी आपने हमको करके दिया है तो कन्यादान का उससे भी ज्यादा शानदार बढ़िया से अच्छा सा प्लानिंग करके आप हमारे जानकार लोगों को भी करके दीजिए, तो क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आपके ऐसे बाकी के लोगों का भी इसी तरीके से कन्यादान का पॉलिसी कपिल ढल उनके पास जाए और उनको बताकर आए, तो क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा? तो उस लड़की को बहुत ही अच्छा लगा, उसने कहा अच्छा ठीक है आप नाम लिखिए, 2 आदमियों के नाम मिल गए। मुझे एक बात बताओ, मेरे पास कल 2 चॉइस थी, मेरे पास पहली चॉइस थी मेरे पास वो जो कागज आया था वो जो फॉर्म आया था मैं उसको ऐसे का ऐसा साइन वाइन करके अंदर NB में भिजवा देता। पहला चॉइस मेरे पास अवेलेबल था जो कि आमतौर पर होता है, ठीक है कि नहीं है? अच्छा ठीक है। दूसरी चॉइस जो मेरे पास अवेलेबल थी कि वहां से कुछ ना कुछ बिजनेस और निकाला जाए, तो मैंने कोशिश किया वहां से कुछ निकालने का, चलो और कुछ नहीं मिला, 2 रेफरेंस मिले। जब मैंने कपिल को वो दोनों रेफरेंस लिख के दिए, मैंने कहा भाई ये 2 नाम मिल गए हैं, तो कपिल को बहुत ही अच्छा लगा कि यार कम से कम यहाँ से कुछ ना कुछ तो और मिला, कुछ ना कुछ तो यहाँ जाने का मौका मिल सकता है, कुछ ना कुछ यहाँ जाने का हमें कुछ तो तरीका मिल सकता है, सो ये अच्छा लगा। आप उसे कोई बताना चाहेंगे, कुछ और कहना चाहेंगे इस बारे में? आपका क्या विचार है रेफरेंस के बारे में? नमस्कार नमस्कार बनी जी, क्या हाल है आपके? मॉर्निंग जो है आपकी मॉर्निंग एक्सरसाइज हो गई है तो आपका समय जो है हमारे को अवेलेबल हो पा रहा है, ठीक है बढ़िया। फ्रेश नजर आते हैं जब आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, आपके बैकग्राउंड में पेड़ पौधे नजर आते हैं, तो हमें क्या लगता है कि आपको देखकर मतलब हमारी भी मॉर्निंग वॉक हो गई। वैसे मैं एक्चुअल करके आया हूँ सुबह 7 बजे ऑलरेडी मैं पार्क के अंदर करके आया हूँ, लेकिन आपको देख के हमें ऐसा लगता है कि हमारे अच्छा राजेंद्र जी भी कर रहे हैं, उनके भी पीछे नजर आ रहे हैं, तो लेकिन राजेंद्र जी ने मफलर लगा रखा है
जो है वो प्रोटेक्शन करके कर रहे हैं। मनीष जी का चेहरा पता जवान है कि क्या है, मतलब ध्यान रख लो भाई सर्दी का मनीष जी जवान है, नीचे कर रखा है जवान है, थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। ठीक है बढ़िया। सो रेफरेंस के बारे में आप बताएं, रेफरेंस लेने का मतलब एक तो एक्सपीरियंस मैंने आपको शेयरिंग किया, और कोई तरीका है तो सर इस बिजनेस का कोर है सर जी। बढ़िया एकदम, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो रेफरेंस है, और जिसके थ्रू इजीली हो सकता है काम, इजीली हो वो भी जाता है, और रेशियो भी जब सबसे जबरदस्त आता है जी। लेकिन वही है, किसी का सर तरीका होता है, किसी का कोई तरीका होता है, लेकिन रेफरेंस सबसे जबरदस्त तरीका है सर जी। हमारे पास किसी भी काम को करने के दो तरीके हैं। हमारे पास पहला तरीका है कि हमको जैसा आता है वैसा करें। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे को खाना बनाना है, अब खाना बनाने का पहला तरीका है कि जैसा आता है वैसा बना लो। दूसरा तरीका है कि सीख लो। अभी सीखने के लिए तो आजकल इतने ढेर सारे तरीके हैं, आजकल यूट्यूब है, आजकल गूगल है, और बाकी ठीक है हमारे जो जानकार लोग हैं आसपास में वो सब है, वो तो बनाने तरीके हैं। तो एक्सपर्ट लोग क्या करते हैं, भी करना है वो सीख डालते हैं। अब जितना स्पीड से हम सीखते हैं, जितना जल्दी सीखते हैं, उतना अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से हम उस काम को कर पाते हैं। सो एक तो ट्रॉफी का थोड़ा सा ध्यान आपको करने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रॉफी का, क्योंकि समय जो है कम है, तो राजेंद्र जी के भी अभी 3 तक पहुंचे हैं, 4 तक पहुंचे हैं, मनीष जी भी 4 तक पहुंचे हैं, तो सबसे ज्यादा नजदीक हैं आप हमारी टीम में कि ट्रॉफी के अंदर आप जो है SBI मॉनिटरिंग के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। तो यदि आप उसको कर पाएंगे तो आपको भी, दोनों को बहुत अच्छा लगेगा, सभी को बहुत अच्छा लगेगा। जैसे वो क्या होता है कि वो चांद पर एक आदमी जाता है इंडिया की तरफ से, तो सारे इंडियंस को अच्छा लगता है। जैसे इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो जीत कर आती है तो 135 करोड़ लोगों को अच्छा लगता है कि यार हमारे ये 11 लोगों ने बहुत शानदार काम कर दिया, तो अच्छा रहेगा। आनंदा इज बेस्ट ऑप्शन, 7वां टॉपिक आज का हमारा है, आनंदा इज बेस्ट ऑप्शन एंड देन कम्स ऑनलाइन ट्रांसफर टू ब्रांच 126 और कैश और चेक। सो कल भी मेरे पास दिनेश सूदन जी ने एक अमाउंट मेरे को ट्रांसफर किया, उसके बाद स्क्रीनशॉट मुझे उन्होंने भेजा, और आपने से किया हुआ है, मनीष जी ने किया हुआ है ऑलरेडी, और भी साथियों ने शायद कुछ कोशिश किया होगा पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर करने का। तो आजकल नए तरीके आ गए हैं, नए और सुविधाजनक तरीके आ गए हैं। तो अब पुराने तरीके क्या थे, कैश और चेक ले लो कस्टमर से, नए तरीके क्या आ गए हैं, आनंदा कर लो। तो आनंदा का फायदा क्या है, आप बिहार बैठे हो, आप मुझे आनंदा बैठे हो है। जी आनंदा सीखना है सर मुझे। आनंदा सीखने का आसान तरीका है, आप अपने फोन के अंदर LIC एजेंट ऐप को एक्टिवेट करिए, आप BM से अपना LIC एजेंट ऐप एक्टिवेट करवाइए। आप BM को या तो फोन करिए, या तो मैसेज करिए, या तो ईमेल करिए, आप ये वाला भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। तो आपने BM से जैसे ही आपको ईमेल आया, जैसे ही आपको BM की तरफ से इसका एक्टिवेशन आ गया, आप उसको एक्टिवेशन को करेंगे। आपने जब इसको एक्टिवेशन को क्लिक किया तो आपका LIC एजेंट ऐप एक्टिवेट हो जाएगा। जब LIC एजेंट ऐप आपका एक्टिवेट हो गया, उसके बाद LIC India.in पर आपको जाना है। LIC India.in पर जब आप जाएंगे तो LIC India.in पर जाने के बाद वहां पर आनंदा का लिंक दे रखा है, आप आनंदा को खोलिए, उसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं, आप उसको खोल लीजिए। आप कस्टमर आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी बैठा है, आपको कस्टमर को क्या बोलना है, सर OTP आते रहेंगे, देते रहना बस, और कुछ नहीं करना है। ना तो हमें कोई छपा हुआ फॉर्म लेना है, ना तो कोई उससे छपा हुआ कोई एजेंट रिपोर्ट आपको भरना है, ना तो कोई छपा हुआ कोई आधार कार्ड पैन कार्ड, ना तो कोई फोटो लेनी है, ना तो कोई कैश लेना है, ना तो कोई चेक लेना है, कुछ नहीं लेना है आपको, सिर्फ OTP लेना है, सारा का सारा काम OTP का है। तो आसान है, आसानी से आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपका LIC एजेंट ऐप आप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर में जाके, उसके बाद ब्रांच मैनेजर से एक्टिवेट उसको करवाएं कि जी मेरा एजेंट ऐप एक्टिवेट कर दो। जैसे ही आपका एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेशन के बाद आप LIC India.in वेबसाइट पे जाके आनंदा डाउनलोड कर लें, उसके बाद पहला प्रपोजल टाइप करना शुरू। तो आसानी से हो सकता है, इसके अंदर कोई समस्या नहीं, बहुत इजीली काम हो सकता है आपका, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। सो आप कोई साथी कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में?
रविराज किशोर जी अभी आए हैं, अभी अभी आए हैं, तो रविराज किशोर जी का स्वागत है। और कल भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, सुबह सुबह कोट पहन के और टाई पहन कर यहाँ पर आए हुए थे, हरिराम जी के पड़ोस के अंदर वो गए हुए थे। तो रविराज जी दोबारा से आपका स्वागत है, यदि आप बोल सके तो अच्छी बात है, बढ़िया रहे, सभी लोग जो हैं आपको सुन के सभी को अच्छा लगेगा। अदरवाइज हमारा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जो कि बहुत कम एजेंट इसको अटेम्प्ट करते हैं, बहुत कम एजेंट इसकी कोशिश करते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस की। और ये वाला हमारा आज का आठवां टॉपिक है, बहुत कम एजेंट इसको अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन करना चाहिए मेरे ख्याल से। सभी के पसंद आने वाला शायद टॉपिक ये नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से बड़े बड़े बीमे निकल सकते हैं, जहां से बड़ी बड़ी पॉलिसियां निकल सकती हैं। कंपनियों में आप ट्राई करें इसको, कम से कम कंपनियों में तो ट्राई करें। आज भी हमारी टीम के एक साथी एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस का और कीमेन इंश्योरेंस का एक अपॉइंटमेंट है, कल उन्होंने मुझे बताया था, तो मुझे लगा भाई बाकी साथियों को भी कोशिश तो करना चाहिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस का। आप कंपनियों में जितने भी एम्प्लॉयर हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में या तो लिमिटेड कंपनी के अंदर, आप इसका थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ से बड़ा सेल आ सकता है, आपको यहाँ से 10 लाख 50 लाख का प्रीमियम आ सकता है। आज का हमारा नौवां टॉपिक है, आज का हमारा नौवां टॉपिक जो है नौ बज के 22 मिनट हो गए हैं, 9:20 तक की हमारी मीटिंग थी, तो हमारा 9:22 हो चुका है। आपने आज स्पेशल पब्लिक हॉलीडे है आज का, लेकिन फोर्थ सैटरडे पर आपने स्पेशली टाइम निकाला, आप यहाँ पर आए, बहुत ही अच्छा लगा आप सबसे बात करके। आपको आज के प्रोग्राम में आके कैसा लगा? आज के प्रोग्राम में आपको आके क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या आपको फायदा हुआ, आप कुछ बोलना चाहेंगे, आप में से कोई भी साथी कहना चाहेंगे? तो विश यू ऑल द बेस्ट। आज फोर्थ सैटरडे की वजह से कुछ जगह छुट्टियां रहती हैं, एलएपी का जो ऑफिस है वो भी आज क्लोज्ड है, सो आज फील्ड में मूवमेंट करने का अच्छा तरीका है, लोगों से संपर्क बढ़ाएं, ज्यादा लोगों से बातचीत करें जिससे कि आपका सेल हो सके। सो विश यू ऑल द बेस्ट, डू वेल, ओके, बाय 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 बाय। करें कि आपका पॉलिसी जो है आज जरूर बिके, कम से कम एक पॉलिसी आपका जरूर बिके, एक या एक से ज्यादा पॉलिसी आपका जरूर बिके। बाय बाय।